कैसे क्या प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है भाई यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे पॉसिबल जीनोटाइप्स, और इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि तुम्हें ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ओ नेगेटिव होता है हमेशा, डोनर सॉरी, दिस इज यूनिवर्सल और जो ओ पॉजिटिव है, सॉरी ए बी पॉजिटिव, दिस ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वाई, इस वाई का देखो भाई, हम जब भी पढ़ते हैं ना हमें इस चीज से लेना देना नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो दिया सब कुछ तुम्हारी बुक के अंदर हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर हमने याद कर लिया, ओ नेगेटिव है। सबसे मेन चीज जो आती है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, मेरा तुम्हें चीजें याद करवाने का काम नहीं है। अ टीचर हु टीचेस, इसका काम होता है कि आपको उसके पीछे की एक्चुअल प्रोसेस समझाना। अब एक्चुअल प्रोसेस नहीं समझ में आएगी तो ये टेबल जो है इसको रट्टा मार के बड़ी आराम से पढ़ सकते थे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं, क्या ट्रांसफर हो रहा है, कहां क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या जा रहा है, कुछ कोई लेना देना ही नहीं है। आप पढ़ते हैं तो आप नॉलेज के लिए पढ़िए। तो आप बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, एक दो चीजें बताएंगे। मैंने बायोकेमिस्ट्री सॉरी बायोटेक्नोलॉजी आपको जब पढ़ाई थी तो एक एक चीज, क्या चीज कहाँ ट्रांसफर हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, आरएनएआई आपको पढ़ाया था, जीन्स के बारे में बताया था। बट होता क्या है, नीट की तैयारी के लिए किस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चों ये तीन चीजें पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। आप लोग जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड में, नीट में, बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आप पेपर देना चाहते हैं, बीबीएससी का अगर आप पेपर देना चाहते हैं, कहीं मार नहीं खाओगे, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग जो आपके नीट में आने वाला है, यू आर गेटिंग द प्रोसेस एंड रीजन बिहाइंड द प्रोसेस, द प्रोसेस बिहाइंड द प्रोसेस, द फिनोमिना बिहाइंड द प्रोसेस। उस तरीके से पढ़ते हो ना तो आप लोगों क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट जब भी किसी इंसान के क्लियर होते हैं तो भागते सब हैं, पर वर्ल्ड लेवल का स्प्रिंटर वही बनता है जिसके पास टेक्निक भी होती है और जिसको समझ में आ जाता है कि कैसे भागना है, समझ गए। तो ये चीजें हैं ना जो ये जरूरी हैं। अब ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, क्यों है ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है तो क्यों है। सबसे पहली बात, हम बहुत ही रेयर कंडीशंस में और जब कोई भी ब्लड अवेलेबल नहीं होता और हम किसी की जिंदगी बचाना चाहते हैं, सिर्फ उस टाइम में ये यूनिवर्सल डोनर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको एम्प्लॉय किया जाता है, वरना नहीं। जब तक ब्लड मिलता रहेगा सेम ब्लड ग्रुप का, तब तक हम वही ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर जिंदगी मर रहा है बंदा और जितना जल्दी हो सके उसको ब्लड नहीं दिया गया तो वो श्योर श्योर जो है उसकी डेथ पॉसिबल है, उस केस में यूनिवर्सल डोनर का, और उस केस में भी आरबीसी, ठीक है, आइसोलेटेड आरबीसी को जितना ज्यादा हो सके आइसोलेटेड आरबीसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा नहीं, आइसोलेटेड आरबीसी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ब्लड जो ब्लड बैंक में मिलता है वो लिख कर देते हैं डॉक्टर कि हमें ओ नेगेटिव के आरबीसी चाहिए, ओ नेगेटिव के आरबीसी ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल डोनर का सीन क्या है, आरबीसी के ऊपर कौन से आर, इस ओ नेगेटिव के आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, देर इज नो एंटीजन प्रेजेंट, हेंस इसके ऊपर कोई एंटीबॉडी एक्ट नहीं कर सकती। कर सकती है क्या, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या इसके ऊपर कोई भी एंटीबॉडी काम कर सकती है, नहीं कर सकती। तो सबसे पहले एंटीजन से ये बच गया, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर आरएच नेगेटिव कंडीशन है, ठीक, कौन सी कंडीशन, आरएच नेगेटिव कंडीशन।
तो आर एच नेगेटिव अगर है मतलब इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है, ठीक है, इसके पास आर एच एंटीजन जो है वो भी नहीं है। तो क्या इसके ऊपर आर एच एंटीजन अगर नहीं है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों, इसके ऊपर क्या आर एच एंटीबॉडी काम करेगी? क्या इसके ऊपर आर एच एंटीबॉडी काम करेगी? आर एच एंटीजन नहीं है तो आर एच एंटीबॉडी काम नहीं कर सकती, दूसरे कोई एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी इसके ऊपर काम नहीं कर सकती। और अगर हम इसको इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा देते किसी दूसरे पर्सन में, स्पेशली आइसोलेटेड आरबीसी को अगर हम ट्रांसफर करवा देते हैं तो ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो ब्लड है किसी पर्सन का जिसको जरूरत है, उसके अंदर जो ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, वो इन आरबीसी को बहुत आराम से क्या है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब अगर दूसरा कोई भी ब्लड डाला जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज हमने ए पॉजिटिव ब्लड के अंदर बी पॉजिटिव ब्लड डाल दिया, तो यहां एंटीजन प्रेजेंट है कौन सा, ए एंटीजन, यहां एंटीबॉडी प्रेजेंट है कौन सी, ए एंटीबॉडी, और क्या प्रेजेंट है यहां पर, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और यहां पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, आपस में लड़ भिड़ के नहीं मर जाएंगे, ये इसको खा जाएगी, ये इसको खा जाएगी, और पर्सन जो है वो मरने की कगार पे पहुंच जाएगा, ये कंडीशन नेगेटिव चली गई। समझ में आ गया कि क्यों हम एक दूसरे ब्लड को आपस में मिक्सअप नहीं कर सकते? तो वो ये रीजन है कि एक के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एक के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है, अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो बी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी और ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन वो भिड़ेंगे आपस में, ए ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी और बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन वो भिड़ेंगे आपस में, तो इस कंडीशन से क्या होगा, देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ केओस जो उस बंदे की बॉडी के अंदर जो है वो बन जाएगी, एंड फाइनली ही कैन इवेंचुअली डाई, वो मर भी सकता है। अब आती है बात ए बी पॉजिटिव की, समझ में आ रहा है, बट आई एम टेलिंग यू कि क्यों यूनिवर्सल डोनर जो है वो यूनिवर्सल डोनर बनता है, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो डोनर बनता है, ठीक है। अब अगर यहां पर ओ पॉजिटिव होता तो क्या कंडीशन बन जाती, बताओ भाई, अगर ओ पॉजिटिव होता, एक्चुअल जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना वो ओ नेगेटिव ही होता है और वही हो सकता है, क्योंकि अगर ओ पॉजिटिव रहेगा तो फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक बार अगर किसी बंदे को ओ पॉजिटिव ब्लड डाल दिया, यूनिवर्सल डोनर मान के हमने ओ पॉजिटिव ब्लड जो है उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया, अब इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से उस जिसने रिसीव किया है उसकी बॉडी आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर वो बंदा नेगेटिव है तो आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जिंदगी में, पर आगे कभी भी उसको कोई भी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकेगा, वो फ्यूचर के लिए थोड़ी सी सेफ्टी की बात रहती। अब ए बी पॉजिटिव जो है ये क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इस क्यों का जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये क्यों जो है ना यही दुनिया को तहस नहस करके रखता है, वाई ये ए बी पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो ये क्यों है, हम इसी तरीके का के जवाब देते हैं, हमें इसी तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कम से कम पढ़ाना इसी तरीके से अच्छा लगता है, दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है, अब ए बी पॉजिटिव है मतलब इसके पास एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों, क्या इसके पास एंटीबॉडी है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, प्लस ये आर एच पॉजिटिव भी है मतलब इसके पास एक आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास क्या है आर एच एंटीजन, यानी इसके पास सारे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं। अब अगर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है और अगर हम आइसोलेटेड आरबीसी किसी भी सेल के दे, किसी भी ब्लड के दे दे, हम इसके अंदर बी पॉजिटिव डाल दें, एंटीबॉडी तो कोई है ही नहीं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसके अंदर ए पॉजिटिव डाल दें
कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं। हम इसके अंदर ओ नेगेटिव डाल दें, अब इसके अंदर ओ पॉजिटिव डाल दें, देयर विल बी नो फर्क। आरएच कुछ भी नहीं है, इसके बाद सारे के सारे क्या है, एंटीजन ही एंटीजन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार ये यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है इसकी कंडीशन भी तुम्हें बता देता हूं क्या है। बात आती है ए बी पॉजिटिव की, इसके पास एंटीजन है ए, एंटीजन है एंटीजन बी दोनों, इसके पास एंटीबॉडी निल, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास आर एच एंटीजन यस प्रेजेंट है, और आर एच एंटीबॉडी निल, तो हम इसमें कोई भी ब्लड डाल सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडी निल है। ठीक है, डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही कंडीशन अगर ए बी नेगेटिव के साथ हो जाती और मैं इसके अंदर बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देता एक बार की तो कोई बात नहीं, बट आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट जैसे ही इस ब्लड को आर एच पॉजिटिव मिलता ये एंटीबॉडी जनरेट करनी शुरू कर देता और अगली बार प्रॉब्लम आती। इस वजह से हमने ऐसा